दोस्तों लखनऊ के खिलाफ आरसीबी की टीम ने जीता मुकाबला, लेकिन विराट कोहली नहीं रख पाए अपने आप पर काबू और गौतम गंभीर नवीनुल हक से जा भिड़े और मैदान पर तगड़ा ड्रामा देखने के बाद सभी की रू गई काप। तो ये इस बात पर अब बड़ा खुलासा करते हुए कोहली ने जो कहा वो सुनकर पूरे भारत देश के उड़ गए होश। तो आखिर कोहली ने अपनी सफाई देते हुए क्या शरीफपना दिखाया वो तो आपको वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी अगर विराट कोहली और गौतम गंभीर को एक महान बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताना कि कोहली, गंभीर और नवीनुल हक में से किसकी गलती थी इस लड़ाई के पीछे। अपनी कीमती राय हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों बेंगलोर और लखनऊ के बीच आईपीएल का 43वां मुकाबला रोमांचक रहा, क्योंकि इस मैच में भले स्कोर ज्यादा नहीं बना लेकिन आरसीबी की टीम ने सरेआम टक्कर लखनऊ सुपर जायंट्स को दी। हुआ ये था कि जब लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ आरसीबी के कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया था, यहाँ पर 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर आरसीबी ने 126 रन बनाए। अब 127 रन का लक्ष्य लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने था। हालांकि आरसीबी की तरफ से सबसे ज्यादा रन की पारी फाफ डु प्लेसिस ने खेली, जिन्होंने 44 रन बनाए 40 गेंद में, तो विराट कोहली दूसरे नंबर पर रहे जिन्होंने 31 रन बनाए। बाकी अन्य कोई भी बल्लेबाज 20 से ज्यादा रन भी बना नहीं पाया, जिसके चलते इस मुकाबले में पूरी की पूरी आरसीबी की टीम लड़खड़ाती हुई नजर आई। अब लक्ष्य छोटा था और यहाँ पर नवीनुल हक ने 3 विकेट हासिल कर लिए थे, तो वहीं रवि बिश्नोई और अमित मिश्रा को 2-2 विकेट मिल गए थे और 1 विकेट कृष्णप्पा गौतम के नाम था। अब ऐसे में लखनऊ सुपर जायंट्स को इसी का फायदा उठाना था। यहाँ पर गेंदबाजी अच्छी हो जाने के बाद अब बल्लेबाजों को जल्द से जल्द स्कोर को अपने नाम कर 2 पॉइंट्स भी अर्जित करने थे। यहाँ पर जब 127 रन के लक्ष्य के जवाब में केएल राहुल की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम उतरी, तो यहाँ पर पारी की शुरुआत करने राहुल की जगह पर आयुष बदूनी और काइल मेयर्स तो उतरे थे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर लखनऊ की टीम के बल्लेबाज आज अपने एक के बाद एक विकेट गंवाते चले गए और इसी का फायदा आरसीबी की टीम ने उठाया। और यहाँ पर विराट कोहली फुल एग्रेशन में दिखाई दिए और हर किसी ने वो नजारे देखे जब विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच हम सभी को घमासान बहस देखने के लिए मिली। हालांकि हम सभी जानते हैं कि विराट कोहली और गौतम गंभीर हमेशा से ही दोनों एग्रेसिव खिलाड़ी रहे हैं और यहाँ पर आरसीबी की टीम ने भले 18 रन से इस मुकाबले को जीत लिया, लेकिन दोस्तों मैच समाप्त हो जाने के बाद जब इन दोनों खिलाड़ियों के बीच लड़ाई बच गई, तो अब जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के दौरान विराट कोहली को बुलाया गया तो उन्होंने इस बात पर बड़ा खुलासा करते हुए लखनऊ की टीम की पोल खोल डाली। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आरसीबी के पूर्व कप्तान विराट कोहली कहते हैं कि जब नवीनुल हक बल्लेबाजी कर रहा था तो मैंने इस बात पर बिल्कुल भी गौर नहीं किया था कि यहाँ से लखनऊ की टीम जीतेगी या फिर हमारी। हमें भरोसा था कि आज हमारे बल्लेबाज और गेंदबाज अपने चरम पर बल्लेबाजी और गेंदबाजी कर रहे हैं और आज मैच हमारे नाम होना चाहिए। मैंने बस उस वक्त नवीनुल हक से इतना कहा था कि मैं आज तेरी टीम को हराऊंगा। न जाने उसको इस छोटी सी बात पर क्यों इतना बुरा लग गया कि उसने मुझे अनाप शनाप कहना शुरू कर दिया। तो वहीं दोस्तों आगे विराट कोहली ने ये भी बताया कि जब नवीनुल हक बल्लेबाजी कर रहा था तो वो हर पल यही कह रहा था कि मैंने तुम्हारे खिलाफ आज 3 विकेट हासिल किए हैं और तुम्हारी टीम आज मैच हारेगी, तो उसी बात का बदला मैंने भी लेना चाहा। हालांकि अगर वो एग्रेशन दिखा सकता है तो मैं भी अपना एग्रेशन क्यों पीछे रखूं। मैंने भी उसी को उसी के अंदाज में जवाब देना शुरू किया, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये बात इतनी आगे तक बढ़ जाएगी कि यहाँ उनका कोच गौतम गंभीर भी मैदान पर उतर आएगा मुझसे भिड़ने के लिए। तो वहीं दोस्तों आगे विराट कोहली ने ये तक कहा, इस मामले में मेरी कोई भी गलती नहीं है, मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की इस झगड़े को आगे बढ़ाया ना जाए, लेकिन लखनऊ की टीम ने इस झगड़े को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। मैं तो हमेशा शांत रहने की कोशिश करता हूँ और जब से मेरा फॉर्म वापस आया है तब से मैंने किसी भी प्रकार की किसी से कोई झगड़ा करने की कोशिश भी नहीं की है। यहाँ पर अमित मिश्रा, नवीनुल हक और गौतम गंभीर की वजह से ये मामला इतना आगे तक जा पहुँचा है। हालांकि मेरी जो भी गलती हो मैं उस गलती को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। आईसीसी या फिर बीसीसीआई मेरे पर अगर जुर्माना लगाने की भी कोशिश करता है तो वो लगा सकता है, क्योंकि मैंने भी यहाँ पर थोड़ा बहुत गलती तो की है। लेकिन मैं सही बताऊं तो यहाँ पर ये जो आग भड़की है वो लखनऊ की टीम की तरफ से भड़काई गई है, ना कि मेरी तरफ से। तो दोस्तों यहाँ पर तो विराट कोहली ने बड़ा खुलासा करते हुए सभी लखनऊ वालों की पोल खोल कर रख दी। लेकिन अब आप सभी क्या मानते हो, क्या विराट कोहली इतने शरीफ है कि उन्होंने सही में मैदान पर कुछ नहीं किया और लखनऊ के खिलाड़ियों ने ही यहाँ पर लड़ाई झगड़े को आगे बढ़ाया? आपकी क्या राय है, आप अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा।